अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ फंक्शन पर बात करेंगे और देखेंगे कि फंक्शंस हम MySQL डेटाबेस के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। इन फंक्शन के अंदर हमारे आ जाते हैं सम का फंक्शन, एवरेज फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम और काउंट के फंक्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो चलें इनको बारी बारी एक्सिक्यूट करते हैं। तो मैंने सेलेक्ट की क्वेरी यूज़ की और आपको कुछ डेटा यहाँ पे शो कराया। ठीक है, ये देखिए हमारा डेटा है। अब मैं चाहता हूँ कि हमें ये जो सैलरी है, ठीक है, ये टोटल सैलरी हमें दिखा। सेलेक्ट मैं सम करूँगा और क्योंकि मुझे सैलरी का सम करना है तो इस ब्रैकेट के अंदर मुझे सैलरी वाला कॉलम लिखना पड़ेगा और फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, यानी एम्प्लॉय टेबल में से सैलरी को सम करके डिस्प्ले करें। तो इसे मैं रन करता हूँ, ये देखिए टोटल सैलरी इसने हमें शो कर दी और यहाँ पे इसने ऊपर कॉलम बनाएंगे सम सैलरी जो हमने यहाँ पे दिया था। अगर आप अपना कोई कस्टम नेम देना चाहें तो फिर यहाँ पे आप लिखेंगे एज और टोटल लिखना चाहें जो भी अपना नाम लिखेगा, तो इस तरह आप लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। इस तरह अगर आप एवरेज सैलरी की लेना चाहते हैं, ठीक है, यानी हमारी सैलरी की एवरेज क्या है, तो आप लिखेंगे एवीजी। ठीक है, एवीजी लिखेंगे और यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे तो 3960 रुपये हमारी एवरेज सैलरी है। ठीक है, 0.00 यहाँ पर। और इस तरह अगर आप काउंट करना चाहते हैं, ठीक है, और काउंट आप नेम को करना चाहते हैं, यानी हमारे कितने एम्प्लॉयज़ के नेम है, और इस टोटल को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, वैसे ही रहने देता हूँ। तो ये क्योंकि अब हमारे 10 रिकॉर्ड थे तो आपको 10 शो करेगा। और अगर यहाँ पे आप कोई कंडीशन देनी चाहते हैं, वेयर एड इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 30 कर लें, तो ये आपको वो वाले एम्प्लॉयज को काउंट करके दिखाएगा जिनकी एज 30 ईयर से ज़्यादा है। ठीक है, वेयर एड ग्रेटर देन 30, यानी जिसकी एज 30 से ज़्यादा होगी उनको काउंट करेगा और यहाँ पे वो डिस्प्ले कराएगा। तो ये देखते हैं काउंट नेम के अंदर उसने 3 हमने उसने डिस्प्ले करा दी, यानी 3 एम्प्लॉज हमारे ऐसे हैं जिनकी एज 30 ईयर से ज़्यादा है। इसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन करते हैं। तो मिनिमम फंक्शन आपको उस कॉलम में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, जो सबसे कम वैल्यू होगी, वो डिस्प्ले करा देगा। तो उसे मैं किस तरह लिखूँगा, सेलेक्ट मिनिमम और इसके अंदर अगर मैं एज लिखना चाहता हूँ किसकी एज सबसे कम है, तो इसके अंदर मैं एज लिखूँगा और फिर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल बनाऊँ। ठीक है, इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखिए हमारी मिनिमम एज 18 ईयर है, यानी हमारा सबसे छोटा जिसकी एज कम एम्प्लॉय है वो 18 ईयर वाला है। और जरा अगर मैक्सिमम बना जाए तो यहाँ पर मैक्स लिखेंगे और हमारी मैक्सिमम है 35 ईयर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक और इसके बाद हम ग्रुप बाय कमांड देखेंगे और शायद